हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीएम किसान 8वां इंस्टॉलमेंट्स आया है या नहीं, कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लें और टाइप करें पीएम किसान, pmkisan.gov.in। ओपन हो रहा है pmkisan.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट, ओपन हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे आप शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं अपना इंस्टॉलमेंट आया है या नहीं। तो एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ बता रहा है स्टेट फिलअप करना है, अब कौन सा स्टेट के हैं तो मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का रहने वाले हैं, रामगढ़, रांची, पलामू, छतरा, गिरिडीह, सभी डिस्ट्रिक्ट है। अब सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। विलेज, कौन सा विलेज है, हमारा विलेज जो भी है। अब शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करने पर आ चुका है। तो नीचे ओपन हो चुका है हमारा, चलो तो देखते हैं। विलेज स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो आज हम बताने वाले हैं पेमेंट आया है या नहीं आया। तो हमें जाना है पेमेंट स्टेटस पे। पेमेंट स्टेटस पे आने के बाद ऑप्शन दिया रिसीव्ड ऑल पेमेंट्स, ये रिसीव्ड पार्सल पेमेंट्स, रिसीव्ड नो पेमेंट, फार्मर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड। तो हमें रिसीव्ड ऑल पेमेंट्स पे जाना है। यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है पूरे काम पर, तो यहाँ चेक करना है आपको किसका देखना है। नाम फार्मर, फार्मर नेम, फार्मर का फादर नेम, रजिस्ट्रेशन पीरियड्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, लिंक टू गेट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करके बताते हैं। एक चेक करते हैं, देखते हैं कैसे। तो एक नया एड्रेस ओपन हो चुका है और वहाँ दिखा रहा है स्टेटस आ चुका है किसके नाम पर है, कहाँ इंस्टॉलमेंट हुआ है, यानी हमारा 8वां इंस्टॉलमेंट जो इस बार का है 10/5/2021, पिछले महीने का वो इंस्टॉलमेंट है, अप्रूव हो चुका है, डन हो चुका है। इसी तरह आप किसी का भी यहाँ से देख सकते हैं। क्लिक फॉर मोर डिटेल पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस क्या है, कितना वो पता कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नई जानकारी ले